अच्छा ये फ्लिपकार्ट से आए थे तो देखना भी ज़रूरी है, इसलिए जब मैं इन्हें पा रहा हूँ मैं सेम टाइम पर चेक कर लेता हूँ। मैंने अपनी पल्सर के लिए ऑयल मंगवाया है, ज़िंदगी में पहली बार ऑनलाइन, और मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे ऑनलाइन जेन्युइन मिला है। ये वाला बारकोड आज तक मैंने नहीं देखा, जितनी भी बार मैंने परचेज़ किया है आफ्टर मार्केट, ये वाला बारकोड में भी मैं काफ़ी टाइम बाद इस ऑयल को परचेज़ कर रहा हूँ, इसलिए आया हो। 820 रुपये MRP है, और हमेशा एक चीज़ समझो, जब भी आप MRP से ख़रीदते हो तो वो मैक्सिमम MRP उतने की ही बिकती है चीज़ की, उससे ज़्यादा कोई नहीं बेच सकता, क्योंकि MRP के अंदर सारी चीज़ें इंक्लूडेड होती है टैक्स को लेके। अब बाकी बात यह है कि अगर डिस्ट्रीब्यूटर की कॉस्ट, पहुँचाने की कॉस्ट, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट अगर कम लगती है, डायरेक्ट आप डीलर से ख़रीदते हो या फिर मोतुल से निकलते के साथ ही ख़रीद लेते हो किसी बड़े डिस्ट्रीब्यूटर से, वो आपको अगर एक दे देता है तो भैया वो उतनी कॉस्ट अगर उसको नहीं पड़ रही होगी, वो थोड़ा बहुत लगाकर आपको बेच सकता है। ये डायरेक्ट सेलर से आया है, टेक कनेक्ट रिटेल प्राइवेट लिमिटेड से, 2019 का, ये 6 महीने का, 17 तारीख को बनाया गया है। ऑयल पूरा जेन्युइन है, सील ऊपर से मैंने कहा हर इंसान को ये खुली हुई नहीं है जैसे कि होनी चाहिए। ये बार कोड है और इसके ऊपर ही लिखा हुआ है सारी चीज़ें 7100 100% सिंथेटिक वगैरह फलान डिमा का। और ये 1 लीटर के अंदर मैंने मंगवाए थे, मोस्ट प्रोबेबली ये 2 होने चाहिए। मेक श्योर किसी भी चीज़ का, खासकर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस हो, बिल लेना मत भूलना, वरना वारंटी किसी काम की नहीं है, चाहे आप 300 रुपये की लीड ले रहे हो या 1 लाख रुपये का लैपटॉप। 820 रुपये इसका रेट है, 500 रुपये का मुझे एक पड़ा था जो कि मिलना नामुमकिन ही था ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट, पर ये रहा पहला, ये रहा दूसरा। 10/22/056, 10/22/056, 17/6/2019, 17/6/2019 बार कोड अगर मिला हो तो वो हमेशा डिफरेंट ही मिलेंगे। कैपेसिटी भी पूरी है, बड़े भाई आए घर में, खोलने जा रहा हूँ ना, ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, ठीक है। ये है भाई हमारे पास फाइनली GoPro Hero 7, और ये हमने फ्लिपकार्ट की बिग बिलियन डे सेल से मंगवाया। से मिला तो इस पे ये है कि भाई यहाँ पे तुम्हें 3 चीज़ें मिलनी चाहिए, एक्सेसरी, बैटरी, SD कार्ड, हमारी सेल्फी स्टिक जो कि एक्चुअली महंगी आती है। ये बंडल जो है मुझे बहुत सस्ता मिला है, ओनली 25,000 रुपीज। अच्छा 1 ईयर वारंटी के साथ आता है GoPro, और GoPro देखो मैं एक बात बताता हूँ, मैंने बहुत रिसर्च करी, बहुत ढूंढा, बहुत मतलब नॉइस वगैरह ये वो SJ कैम फलाना ढिमाका मैंने बहुत ढूंढे, और आज से पहले मैं हमेशा चीप क्वालिटी के कह सकते एक्शन कैमरा या जुगाड़बाजी से ही वीडियो रिकॉर्ड करता था, लेकिन मैंने जो पाया वो ये, अगर कोई भी इंसान मोटो व्लॉगिंग करता है, स्टार्टिंग के लेवल पे है, तो भाई या तो फ़ोन यूज़ करो वरना सीधा GoPro लो, जो मेरा बेस्ट डिसीजन रहा है ये। उसके अलावा किसी दूसरी तीसरी चीज़ की तरफ जाओ ही मत, हमेशा परेशान हो गए, हमेशा दुखी हो गए। और ये हमने GoPro खोल दिया, टू बी ऑनेस्ट इतनी अच्छी पैकेजिंग है GoPro की, इस माउंट को मैं निकाल के इस्तेमाल कर सकता हूँ। माय गॉड, ये है इसकी सेल्फी स्टिक। दूसरी हमारे पास चीज है बैटरी। गुड थिंग इज कि अक्सर लोगों के कंसर्न रहते हैं कि बैटरियां नहीं चलती हमारे GoPro की, मेरे पास 2 बैटरी है तो मुझे टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। और बिलीव मी हीरो 8 रिलीज़ हो चुका है, मैंने तब हीरो 7 ऑर्डर करा है, उसका रीज़न भी यही है कि ये मुझे बहुत अच्छे प्राइस रेंज पे मिला है विद 2 बैटरीज। इसकी एक बैटरी लेने जाते हो तो वो करीब करीब तुम्हारी पड़ जाती है 3,000 से 5,000 के बीच में, डिपेंड करता है कहाँ से ले रहे हो और क्या ले रहे हो। साथ ही में इसके साथ मुझे कुछ बेसिक माउंट्स मिले, जैसे कि एक ही हमारा माउंट है, मुझे लगता है मुझे इसकी एक्सेसरी किट ऑर्डर करनी पड़ेगी फॉर द फ्यूचर प्रोस्पेक्टिव। सैंडिस्क का एक 32 GB का कार्ड आया है मेरे पास, एक GoPro की डेटा केबल, ऐसा लग तो रहा है कि मैंने ठीक ही करा है। अच्छा ठीक है, चलो इसे क्विक स्टार्ट करके देखे, क्या देखा जाए, क्या कहता साहिल भाई, इसके ऊपर नायरल फोड़ दिया जाए। GoPro Hero 7, यहाँ डलेगी इसकी बैटरी। मैं रिकॉर्डिंग करूंगा लेकिन 2K में नहीं, मैं रिकॉर्डिंग करूंगा HD में, शाहरुख हीरो 7। फाइनली जो रोड पे हम इस तरीके से चला करते थे, इसका सिलसिला शायद अब ख़त्म हो जाए। तुम लोगों का प्यार है तभी हमें भाई, तभी ये है, तभी ये चैनल है, तभी हम सारे हैं ना।
मजाक नहीं कर रहा हूँ, देखो झूठ नहीं बोल रहा हूँ, इससे मैं तफरी काटने वाला हूँ बढ़िया वाली एकदम। इस प्राइस में जो ये सेटअप मुझे मिला है ना विद टू बैटरीज, ये वाली सेल्फी स्टिक के साथ और एक मेमोरी कार्ड भी, ये टोटल आता है करीब करीब 32,000 के आसपास का आता है। मेरे को ये सिर्फ 25 का मिला है। जो लोग स्टिकर बेचते हैं वो लोग मुझे बहुत पसंद है। 25,999 का पड़ा मेरे को ये स्पेशल बंडल बाय गोप्रो। और एक्चुअली मैं फ़िलहाल तो भाई हमारे रिचार्ज हो रहे हैं, ऑनेस्टली स्पीकिंग मैं बीच में नहीं फंसना चाहता था कहीं भी कि भाई नॉइस ले लूँ या एस जे कैम ले लूँ और उसके बाद ये वो, मतलब यू नो प्रीमियम साथ ही साथ अच्छा क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकता मैं इन चीज़ों में। हीरो 8 रिलीज़ हो चुका है, हीरो 7 हमने लिया है, आउटडेटेड नहीं है लेकिन हाँ बेस्ट है। हम बाहर जाएंगे, वीडियोस बनाएंगे तो कुछ ना कुछ तो आएगा ही ना, तो हम आपको सारी चीज़ें दिखाई देंगे। फ़िलहाल मेरे को इसकी अनबॉक्सिंग करने का रीज़न ये था कि देख लूँ कि कहीं इसके अंदर कहीं साबूदाना तो नहीं आया, कहीं इसमें 4-5 मिर्ची भर के भेज दियो। अब से हम इसी से रिकॉर्डिंग करेंगे। कैमरा बहुत प्रीमियम क्वालिटी का है और एक्चुअली में भाई अगर कोई कहता है ना कि ये 25,000 रुपये 30,000 रुपये की चीज़ क्या है, कुछ नहीं है, बेकार है चीज़ है, वाकई में GoPro एक्चुअली में डिज़र्व करता है इतने पैसे का होना। हम आपसे मिलते हैं 2020 में। फाइनली इस GoPro को यूज़ करते करते मुझे काफ़ी टाइम हो चुका है और एक्चुअली कहना चाहूँगा मैंने इसके एक्सपीरियंस के अंदर यही जाना कि डिवाइस बहुत अच्छा है, अपनी कीमत को जस्टिफाई प्रॉपर करता है। दो ब्रांड ऐसे हैं, एक है DJI और दूसरा GoPro, ये दोनों ब्रांड मुझे काफ़ी पसंद है। इसी GoPro की बात करूँ इसके अंदर बहुत से फीचर्स आते हैं, टाइम लैप्स, फ़ोटो, नॉर्मल और सुपर वाइड वीडियो आप दोनों ले सकते हो। इसके अंदर टाइम रैप, टाइम लैप्स, यहाँ तक कि टाइम लैप्स फ़ोटो और नाइट लैप्स फ़ोटो वगैरह जैसे फीचर्स आते हैं। GoPro Hero 8 के अंदर नाइट के टाइम लैप्स ले सकते हैं और एक दो फर्क और है उसके अंदर, थोड़ी सी माइक की जो इन्हांसमेंट है वो बेटर हो चुकी है। दूसरा ये है बस उसको यहाँ पे दो क्लिप दी गई है जिसकी वजह से आप यूज़ कर सकते हैं, थोड़े बहुत पिक्सल्स वगैरह का फर्क है। अब वो जैसे है ही इसका अपग्रेडेड वर्जन तो उसके अंदर थोड़े बहुत अच्छे इन्हांसमेंट किए गए हैं। अच्छी बात यह है मुझे एक्चुअली में ऐसा ही एक मोटो व्लॉगिंग का टूल चाहिए था जिसको मैं कंट्रोल कर सकूँ रिमोट से, यानी अपने फ़ोन से। नॉइस या एस जे कैम वगैरह के अंदर भी ये फीचर था बट मुझे एक्चुअली में वो भाया नहीं। GoPro के अंदर ही कई सारे ऐसे फीचर आते हैं जैसे अगर मैं GoPro को बोलूँ GoPro कैप्चर तो ये वीडियो रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर देता है। इसका लाइव व्यू मैं यहाँ की तरफ देख सकता हूँ अपने फ़ोन में। जब मैं टाइम लैप्स बना रहा होता हूँ तो ये यहाँ पर हमेशा कैमरा बिजी आता है। जब मैं इसे स्टॉप कर देता हूँ, ठीक है, मैं इसे यहाँ से फ़ोन से भी कंट्रोल कर सकता हूँ। साथ ही साथ अगर मैं इसे ऑफ़ करना चाहूँ तो मैं यहीं से इसको, अगर मैं ऑफ़ करना चाहूँ तो मैं यहीं से इसको ऑफ़ भी कर सकता हूँ। ये हो चुका है मेरा GoPro ऑफ। और अगर मैं चाहूँ इसको यूं ही वॉइस कंट्रोल से वेक भी कर सकता हूँ। GoPro स्टार्ट रिकॉर्डिंग। तो मैं कुछ वॉइस कमांड्स है जो इसके अंदर ऑलरेडी दी गई है। मेरी एक्सपेक्टेशन इतनी ही थी कि मैं एक मोबाइल से कंट्रोल कर सकूँ बट वॉइस कंट्रोल का फीचर अच्छा ज़रूर है लेकिन इतना यूज़फुल नहीं है। कुछ सिचुएशन में ठीक है लेकिन चिल्ला कर बोलना पड़ता है थोड़ा बहुत, तो मुझे लगता है कि मेरे लिए बेटर यही रहता है कि मैं अपने फ़ोन से इसे कंट्रोल करूँ प्रॉपरली। अच्छी चीज़ है मुझे फ्रंट की तरफ पता चल जाता है रिकॉर्डिंग हो रही है नहीं हो रही। इस टाइम पर मुझे इसकी रिकॉर्डिंग स्टॉप करनी पड़ेगी और ये ऑटोमेटिकली डिस्प्ले को रोटेट कर देगा, आप देख सकते हैं। तो ये अच्छी चीज़ मुझे बहुत बढ़िया चीज़ लगी इसके अंदर, इसके जो सेंसर वगैरह लगे हुए हैं। एक्सपेंसिव ज़रूर है लेकिन मेरा डिसीजन कोई ख़राब नहीं रहा जहाँ तक मेरा मानना है। बाकी इस डिवाइस से 720p पे आप लाइव वीडियो स्ट्रीमिंग कर सकते हैं और GoPro Hero 8 के अंदर 1080p पे। बाकी अगर साइज़ और कॉम्पैक्ट होने की बात करूँ, दिस डिवाइस इज़ एक्चुअली फिनोमिनसली फाइन, अमेजिंग डिवाइस है यार। ये फ़ोन और GoPro से एक तालमेल बना लेते हैं तो इसमें आपको किसी थर्ड पार्टी इंटरनेट की ज़रूरत नहीं होती। अपनी किसी भी वीडियो वगैरह को चेक करने देखने के लिए आप डायरेक्ट डिवाइस से ले भी सकते हो, डाउनलोड कर सकते हो। सो इस डिवाइस के लिए एक थम्स अप तो बनता है भाई। पहला रीज़न मेरा ये था इसे लेने का कि एम वी एक्ट 2019 आया तो मैं भी नहीं चाहूँगा कि रोड पे मेरे हाथ से हो, और अगर मैं ले सकता हूँ तो मैंने लेकर छोड़ दिया। बुराई इस फ़ोन से रिकॉर्ड करने में भी कुछ नहीं थी लेकिन सिर्फ ये था कि कैमरा वाइड एंगल बहुत कम मिलता था मुझे, जिस रीज़न से मुझे कहीं ना कहीं लगा कि अब तो फाइनली अपग्रेड कर लेना चाहिए। फ़ोन यूज़ करते हुए भी बहुत ज़्यादा डेंजरस होता है तो मैंने कहीं ना कहीं सोचा कि यार ठीक है, एक सर्विलेंस के तरीके से बात करूँ तो ये ठीक है लेकिन वो बहुत गलत था जो मैं फ़ोन पहले इस्तेमाल करता था। इसकी बैटरी के सवाल की बात करूँ तो कहीं ना कहीं लोग ये भी सोचते होंगे बैटरी बहुत जल्दी डाउन हो जाती है 1-2 घंटे में, ऐसा कुछ नहीं है। मैं 1080p पर रिकॉर्ड करता हूँ इसकी वीडियोज़ और जेन्युइनली बताऊं कि जितनी बैटरी एक्चुअली होनी चाहिए वो काफ़ी है, सफिशिएंट है। 2 बैटरीज के साथ आई है, 2 बैटरी के अंदर आप रिकॉर्ड कर सकते हो ठीक ठाक 1-2 घंटे प्रॉपरली। आप अगर वाईफाई वगैरह जैसे कि मैं इससे कनेक्ट करके रखता हूँ, मुझे ऐसा लगता है बैटरी इतनी बुरी नहीं है, बैटरी वर्थ है इसकी एक्चुअली। एंड कर दे वीडियो को, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग पार्ट ऑफ दिस वीडियो। हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में अब कुछ नए मोटो व्लॉग्स के साथ।
बाय बाय। भाई हाँ, पार्टी तो बनती है। हाँ पार्टी भी करेंगे, बाहर जाएंगे, होटल एल्टन विल्टन करेंगे, बढ़िया से किसी होटल में करेंगे भाई पार्टी। भाई तो नहीं बना रहे भाई, कैसी बात कर रहा है यार, बनाने की जरूरत है क्या? ये रख कछुआ, साले ने वो कछुआ निकाल दिया, यहाँ चिपका दे कछुआ, धन का प्रतीक होता ना कछुआ, ये धन ले गया। यो भाई अभी तो धन गया है बस भाई, सुबह 25,000 ऑन हो गया भाई, ये खुलता कि नहीं रहा ये। आजा बेटे बाहर, ये यहाँ ऐसे कुछ बना हुआ है, मेरे को भाई खोलना नहीं आता, वैसे अगर मैं तोड़ दूँ तो। तू जीएस फिल्म देखता है, तुझे पता होगा ना कैसे खोलता है। खोल अब खोल, वैसे इसे ना भी निकाला जाए तो भी एक काम आ सकता है वैसे। स्टार्ट करके देखता हूँ बस, ये ऊपर का ये निकलेगा कैसे ये पता चल जाए। ये जिंदगी की फजीते हो रहे हैं मेरे, मेरे को बैटरी भी तो लगानी होगी इसमें, मुझे लगता है मैं ठीक कर रहा हूँ शायद। आए